संकल्प यात्रा के तीसरे चरण के तहत बड़का गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड निर्माण के 23 वर्षों के इतिहास में जब जब भाजपा की सरकार बनी प्रदेश में विकास के कार्य हुए और कांग्रेस जेएमएम की सरकार में लूट खसोट भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि पौने चार साल के हेमंत सरकार में झारखंड का विकास तो नहीं हुआ बल्कि कानून व्यवस्था चौपट हो गई। प्रत्येक दिन 5 से ज़्यादा हत्या दुष्कर्म अपहरण की घटना से झारखंड भयभीत है। उन्होंने कहा कि जिस पुलिस को कानून व्यवस्था ठीक करना था वे हेमंत सरकार के सारे पर वसूली और हेमंत सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर केस करने में व्यस्त हैं, जबकि भाजपा की सरकार में अपराधी थर थर कांपती थी। उन्होंने कहा कि जब तक झारखंड अपराध मुक्त नहीं होगा तब तक उद्योग धंधे नहीं लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के सरकार में बालू पर पकड़ नहीं रहा है, किंतु हेमंत सोरेन ने बालू घाटों को दिल्ली और मुंबई के पैसे वालों के हवाले कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि हेमंत सरकार में कोयला बालू पत्थर जमीन की लूट मची है। अंचल ब्लॉक और जिला के सरकारी कार्यालयों में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी पैसे देने पड़ रहे हैं। राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए घूस देना पड़ता है। सरकारी पदाधिकारियों को मोबाइल रिचार्ज की तरह पद पर बने रहने के लिए हेमंत सरकार को रिचार्ज करना होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों के लिए राशन भेजते हैं उसकी भी कालाबाजारी होती है। श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत की नारा देने वाले आज ईडी के डर से भाग रहे हैं। हिम्मत है तो ईडी के सवालों का मुख्यमंत्री को सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डर से लाखों के महंगे वकील का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नाम बदल बदल कर जमीन लेने वाले सोरेन परिवार ने कई गड़बड़ी किया है, इनके पास बेनामी संपत्ति है। उन्होंने फिर कहा कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए भाजपा की सरकार बनानी होगी। उन्होंने आगे कहते हुए कहा स्कूलों में अस्पतालों में और सरकारी कार्यालयों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़ा है, बेरोजगारों को रोजगार देकर इन पदों को भरा जा सकता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों की चिंता करते हैं किंतु हेमंत सरकार दलालों बिचौलियों और भ्रष्ट अधिकारियों की चिंता करते हैं। उन्होंने आगे कहा भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए भाजपा की सरकार बनाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत सोरेन पिछड़ों के नाम पर झूठी राजनीति करते हैं, पंचायत चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण को नज़रअंदाज कर चुनाव कराया गया, कोर्ट के आदेश के बावजूद ट्रिपल टेस्ट अब तक नहीं कराया जा सका है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने कोर्ट में पिछड़ा आयोग बनाकर ट्रिपल टेस्ट करवाने की बात कहा था जो अब तक अधूरा है। उन्होंने आगे कहा हेमंत की मंशा साफ नहीं है, आरक्षण के नाम पर झूठी राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों को उनका हक सिर्फ भाजपा देगी। उन्होंने 2024 में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। रामगढ़ से महेश प्रसाद की रिपोर्ट के लिए आया हूं कि झारखंड को बने हुए जो अब 23 साल हो रहे हैं और 23 वर्षों में जब जब इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है झारखंड में विकास की गाथा गाई गई है और झारखंड में विकास हुआ है और जब जब इस प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी लोगों ने मिलकर जब सरकार बनाई है तो झारखंड में विकास नहीं हुआ बल्कि झारखंड में भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे अतीत को कहें या वर्तमान कहें कि आप सबको संज्ञान में आ जाएगा इन लोगों ने किस प्रकार से इस राज्य को लूटा है। आज भी इस राज्य को ये लोग लूट रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप तो सर्वत्र ही चर्चाएं होती है कि भाई आप याद करिए जब जब इनकी सरकार बनती है जब जब ये लोग सरकार बनाते हैं चाहे वो देश में बनाते हो या प्रदेश में बनाते हो ये लोग सिर्फ लूटने का काम करते हैं, लोगों को ये लोग ठगने का काम करते हैं। पंचायत का चुनाव हो रहा था
तो उस समय अगर ट्रिपल टेस्ट कराया होता ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन मिल जाता, लेकिन नहीं किया। जब यहां से लोग सुप्रीम कोर्ट गया पिछड़ा वर्ग के लोगों ने और मांग किया तो पिछड़ा वर्ग सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट करके दिया कि अगला कोई भी निकाय का चुनाव होगा तो हम ट्रिपल टेस्ट करा करके रिजर्वेशन करा करके हम चुनाव कराएंगे। लेकिन इसके बाद इन्होंने नगर पालिका, नगर निगम और फिर नगर पंचायत के चुनाव की घोषणा कर दिए बिना ट्रिपल टेस्ट किए। और फिर लोग कोर्ट गया तो कोर्ट ने भी कहा सरकार ने फिड़ी करके नहीं, अब ट्रिपल टेस्ट हम कराएंगे और पिछड़ा वर्ग आयोग इस काम को कराएगी। लेकिन आश्चर्य, पिछड़ा वर्ग आयोग भी अभी तक गठित नहीं हुआ है। ये हेमंत सोरेन की मंशा साफ है, ना वो चाहते हैं कि यहाँ के ओबीसी को कुछ हक मिले, ना वो चाहते हैं कि यहाँ के बेकार बेरोजगार नौजवानों को कोई नौकरी मिले, सिर्फ और रिजर्वेशन के नाम पर सिर्फ और राजनीति करते हैं। सर ईडी ने आज सीएम को बुलाया था सर, वो नहीं गए, तीसरे नोटिस को क्या कहना था? जब तक बकरी नहीं मरती। इंटरसिटी जो ट्रेन है वो 12 सितंबर को चलने वाली है, मैं खुद उसमें रहूंगा। 12 सितंबर को मैं हजारीबाग में बैठने वाला हूँ, बड़काखाना में मैं उतरूंगा। ये इंटरसिटी ट्रेन क्षेत्र के लिए वंदे भारत के बाद एक और बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि वंदे भारत में आपको अगर आप बैठे हजारीबाग में तो रांची में करीब 400 रुपये लगते हैं। आप जब इंटरसिटी एक्सप्रेस में बैठिएगा तो 400 नहीं, 80 रुपये में आप हजारीबाग से रांची 2.5 घंटे में आरामदायक तरीके से आप पहुँचने वाले हैं। हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और जब हम कहते हैं झारखंड को बनाओ तो ऐसे ऐसे विकास के बड़े बड़े काम जब होते हैं तभी जाकर झारखंड बनता है। और ये सब काम आप स्पष्ट देखें, चाहे हम रेलवे की बात करें, पथरातू थर्मल पावर प्लांट की बात करें, चाहे जो हम लोग DMFT के काम की बात करें, ये सब काम जो हो रहे हैं आज झारखंड में सिर्फ केंद्र सरकार कर रही है। विकास के काम केंद्र सरकार करती है और विनाश का काम हेमंत सरकार।